अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और सेशन करेंगे फॉर योगा योगा का। और जैसे कि मैंने शुरू से ही कहा था, हमारा जो सेशन है वो एक बिल्कुल सिंपल और बेसिक सेशन है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में योगा नहीं किया। तो आई वेरी मच होप कि मेरी कुछ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगी और उसमें कुछ चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हम सेशन स्टार्ट करते हैं जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, मैट होना ज़रूरी है। एक मैट ले लें, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको फ्लो दोबारा से बताता हूँ। सेम चीज़ रिपीट करेंगे जैसे कल किया था हमने कि विल स्टार्ट ऑफ। हमेशा आप जब भी योगा स्टार्ट करें, विल स्टार्ट ऑफ विद द चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए जो बेसिक्स हैं, दैट इज़ योर नीज शुड बी एट द बॉटम ऑफ द मैट लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। और आपकी जो टोज़ हैं पीछे, ये देख रहे हैं, हाँ, ये यहाँ पे दीज टोज, योर टोज शुड बी लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से पैर रखें एंड टेक योर हिप बैक और अपनी टोज पे इस तरह से अपना हिप रखें। सो यू योर पोजिशन शुड बी लाइक दिस, ठीक है, फॉर अ चाइल्ड पोज। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली यू हैव टू गो फॉरवर्ड, इस तरह से आप आगे जाएं और कमर को स्ट्रेच करें लाइक दिस, स्ट्रेच वेल, ठीक है। दिस इज़ अ प्रॉपर चाइल्ड पोज। अगर कोई है आपके साथ हेल्प करने के लिए तो उनको बोलें कि आपकी जो पीठ है इसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाएं, ग्रेजुअली स्लोली इस तरह से आपने रिलैक्स करना है, ठीक है। आपने शोल्डर को लूज छोड़ना है, शोल्डर को टाइट नहीं करना। और क्या नाम है इसको, मतलब ये ऐसे लूज होने चाहिए कि आपके मैट पे ये मेल्ट हो जाए आपके शोल्डर। इस तरह से इसको रखना है। तो ये वेट फॉर अ वाइल इन चाइल्ड पोज, ठीक है। चाइल्ड पोज करने के बाद हम आएंगे फौरन से, आज हम करेंगे कैमल पोज। अच्छा, कैमल पोज का ये है कि इसमें थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। सीधे जो आपकी इस तरह से होंगे, ठीक है, ये ऐसे पोज रहेगा इसमें। लेट मी डू दिस फॉर यू, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ अ कैमल। कैमल के लिए क्या करना है कि आपने बैलेंस थोड़ा सा करना है। आपने काओ में आके राइट लेग स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, राइट लेग स्ट्रेट। और लेफ्ट हैंड, अगर राइट लेग है तो आपका लेफ्ट हैंड स्ट्रेट जाएगा। बेसिकली योर पोज विल बी ऑन योर राइट हैंड एंड जो बैलेंस होगा विल बी ऑन योर राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग, ठीक है। और इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है एंड काउंट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हो सकता है आपका बैलेंस आउट हो रहा हो, यूँ हो रहा हो, यूँ हो रहा हो, आप गिर रहे हो, दैट्स दैट डजेंट मैटर। इवेंचुअली यू विल बी परफेक्ट विद इन दिस पोज, ठीक है। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड, लेट्स काउंट फॉर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इफ़ यू कैन डू इट, डू एन एक्सटेंशन, पीछे हाथ लेके आपका जो पैर है इसको उठाए, ओके, दैट्स एन एक्सटेंशन। आपकी पेट पे काफ़ी जोर आएगा इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। नाउ विल डू अनदर। इसके बराबर में आपकी जो लेफ्ट लेग है, इसी तरह लेफ्ट लेग उठेगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, राइट एंड राइट हैंड, इफ लेफ्ट लेग देन इट्स राइट हैंड, ओके। तो ये एक पोज मैंने आपको बताया। इसके बाद जो फ्लो है, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो पिजन पोज है, पिजन पोज के लिए पहले आपको डाउन डॉग जाना पड़ता है, ठीक है। डाउन डॉग के बाद व्हेन यू, आपको जो आपकी जो राइट लेग है, इफ़ यू आर डूइंग पिजन पोज फ्रॉम द राइट लेग, तो व्हेन यू आर इन डाउन डॉग पोजिशन, ये मैंने आपको कल बताया था डाउन डॉग, मैं दोबारा से बता देता हूँ। डाउन डॉग के लिए जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं डाउन डॉग की, वो ये होती है कि लोग आगे होते हैं, ठीक है, और इस तरह से नहीं होता डाउन डॉग। पहले तो आप इसको ये करें कि आपकी जो हाथ जो है ना वो शोल्डर के नीचे होने चाहिए, इस तरह से प्रॉपरली, ठीक है। देन आप अपनी पैर पे आते हो, पीछे की तरफ पुश करते हो। नॉर्मल कॉमन मिस्टेक डाउन डॉग की होती है कि जो एड़ी होती है वो हवा में होती है। कोशिश करें एड़ी पूरी ज़मीन पर लगे आपकी, ठीक है, और नीज़ बेंड नहीं होनी चाहिए, नीज़ आपकी स्ट्रेट होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल इन्वर्टेड वी होता है ना, ये डाउन डॉग पोजीशन है, राइट। अच्छा, अब हम जा रहे थे डाउन डॉग से पिजन पोजीशन पे। लेट्स गो टू पिजन पोजीशन। पिजन पोजीशन के लिए आपको सबसे पहले राइट लेग अप, ठीक है, राइट लेग अप करके जो आपकी नी है,
सामने से ले आएंगे ये, ठीक है? यहाँ पूरा स्ट्रेच आ रहा हुआ आपका, अगर हो सकता है तो आप अपनी हिप जो है उसको आप ज़मीन पे रख लीजिएगा फॉर अ वाइल, ठीक है? और इस स्ट्रेच को फील करें। देखिए, जोर नहीं देना कभी भी, हमेशा याद रखें योगा में जोर नहीं होता। कोई बात नहीं अगर आपकी स्ट्रेचिंग नहीं होती, बट आपने जोर नहीं देना, इवेंचुअली स्लोली आपने करना है। अच्छा, अगर आप स्ट्रेचिंग चाह रहे हो ज़्यादा, तो आपको उसके लिए फिर आपको ब्रेथ अच्छा करना पड़ेगा, इनहेल एंड एक्सहेल। इफ़ यू वांट एक्सटेंशन तो आप अपनी एक्सटेंशन यू कर सकते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, होल्ड फॉर अ पोज। इसी तरह ये आप, मैंने राइट लेग किया है, इसी तरह आपने लेफ्ट लेग करना है, ठीक है? आज का लेसन हमारा ये था कि हमने कैमल पोज पे जो जो बैलेंस होता है वो सीखा है, ठीक है? उसके बाद डाउन डॉग से पिजन पोज कैसे करते हैं, जैसे मैंने राइट लेग किया, इसी तरह आपने लेफ्ट लेग भी करना है। डाउन डॉग में जाके राइट लेग उठा के, और जो लेग है वो आप जब सामने लाएँ तो आपकी नी बिल्कुल सामने आनी चाहिए मैट के। तो कल हमने कवर किया था पूरा एक फ्लो उसका, योगा का। नाउ हमने एक नया पोज सिखाया है, दैट इज़ फॉर पिजन पोज एंड कैमल पोज। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ सेल्फ, अपना ख्याल रखें, मेक श्योर आप घर से बाहर ना निकले बिना वजह, और मास्क हमेशा पहने। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।